हे गाइस वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। सो बाकीडो मांगा के पिछले पार्ट में हमने मुसाशी मेमोटो की फाइट हानायामा से होते हुए देखी थी, जिसमें हानायामा काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मियामोटो से हार गया था। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे कि अब हानायामा का क्या हाल है। साथ में हम देखेंगे बागी हानमा मुसाशी मेमोटो को जान से मारने की धमकी भी दे देता है, जिसके बाद हम बागी हानमा की नई फाइटिंग टेक्निक को और मुसाशी मियामोटो को पिकल से मिलते हुए और मियामोटो हानायामा के बारे में क्या सोचते हैं हम ये भी देखेंगे। सो बिना किसी देर के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकीडो मांगा का पार्ट 35 शुरू होता है। हम देखते हैं जब मुसाशी मियामोटो ने हानायामा को पूरे 10 बार अपनी तलवार से काट दिया होता है, जिसमें हानायामा की एक आंख भी कट गई होती है, जिसके बाद हानायामा बेहोशी की हालत में जमीन पर बैठ जाता है और यहाँ पर हानायामा का काफी सारा खून भी बह रहा होता है, जिसे देखकर कमिश्नर उत्सुमी उसके सामने आकर बैठ जाते हैं, जिस पर हानायामा उनसे कहते हैं, मिस्टर उत्सुमी, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़ाई में अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन, जिस पर उत्सुमी हानायामा को रुकते हुए कहते हैं, रुको, मैंने सब देखा, तुम अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहे थे, बल्कि मुझे तो पहले लग रहा था तुम अपने प्रॉमिस को अच्छे से नहीं निभाओगे, लेकिन तुमने अपने प्रॉमिस से कहीं ज्यादा कर दिखाया है, थैंक यू हानायामा। जिस पर हानायामा कहता है, तुम झूठ बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन अब तुम्हें किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है मैंने अपने बचपन में लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन के बारे में सुना था और आज पता चला कि वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मेरा तो उनसे कोई मैच ही नहीं है, शायद मुझे अब जाना होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। पीछे हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो को, जो कि खड़े होकर ध्यान से सोच रहे होते हैं कि मैंने अपने जमाने में पूरे 8 लोगों को एक साथ काटा है, मैंने गन्स, पत्थरों, स्पेशल आर्मर जैसी चीजों को भी काटा है, लेकिन ये दुनिया काफी बड़ी है, यहाँ कुछ ऐसे ताकतवर आदमी भी मौजूद हैं जिन्हें मैं नहीं काट पाया। वैसे तो ये आदमी शायद मुझसे हार मान चुका है, लेकिन उसकी बैक मुझे अभी भी घूर रही है। ये आदमी तो पूरा हड्डियों का ताजमहल है, शायद मुझे अब उस पर एक फाइनल स्ट्रोक देना चाहिए, ऊपर से नीचे तक। खैर, सोचते हुए मियामोटो अपनी तलवार निकालते हुए हानायामा पर एक आखिरी हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर तभी मियामोटो के सामने आकर बागी हानमा उनसे कहता है, मिस्टर मियामोटो, अगर आपने अपनी तलवार निकाली तो मैं आपको जान से मार दूंगा। जिस पर मियामोटो कहते हैं, लड़के, क्या कहा, मैं अपनी तलवार ना निकालूं, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। जिस पर बागी कहता है, आपने उसे काफी बार काट लिया है, अब ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो चुकी है। जिस पर मियामोटो कहते हैं, मैं नहीं मानता कि ये लड़ाई खत्म हो गई है। जिस पर बागी कहता है, मिस्टर मियामोटो मुसाशी, ये कोई आपका जमाना नहीं है, जब हर कोई अपने साथ तलवार लेकर घूमता था, इस दुनिया में इसी तरह से एक लड़ाई का अंत होता है। जिस पर मियामोटो यहाँ पर सोचने लगते हैं और पीछे से हानायामा बाकी से कहता है, बाकी थैंक यू। जिस पर बाकी कहता है, हानायामा, तुम्हारी लड़ाई बहुत शानदार थी, लेकिन अब तुम आराम कर सकते हो। जिस पर हानायामा बाकी से पूछता है, हे बाकी, एक बार देख के बताना, मेरी बैग पर बना हुआ आदमी अभी भी खड़ा है। जिस पर बाकी कहता है, तुम्हारी बैग पर बना हुआ आदमी पहले से भी ज्यादा बेहतर लग रहा है, वो अभी पहले से भी ज्यादा सीना तान कर खड़ा है। खैर, इसके बाद होता यह है, कमिश्नर उत्सुमी चिल्लाते हुए कहते हैं, एवेंजर असेंबल, और ये सुनते ही यहाँ पर इकट्ठा हुई भीड़ में से काफी सारे पुलिस वाले बाहर निकलकर आ जाते हैं, जिसे देखकर पब्लिक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इतने सारे पुलिस वाले इस भीड़ में ही इधर उधर छुपे हुए थे। जिसके बाद उत्सुमी सभी पुलिस वालों से कहते हैं कि हानायामा को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ और कुछ भी हो जाए उन्हें मरने मत देना। जिसके बाद होता यह है, काफी सारे पुलिस वाले मिलकर हानायामा को एम्बुलेंस में बिठाते हुए और बड़े ही तेजी से हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर हानायामा बैठा हुआ था, वहाँ पर काफी सारा खून पड़ा होता है, जिसे देखकर बाकी कहता है, सिर्फ हानायामा ही इतना खून निकलने के बाद जिंदा रह सकता है, और तुम वही हो जिसने उसका इतना खून निकाल दिया। जिस पर मियामोटो कहते हैं, लड़के, लड़ना चाहते हो क्या? जिस पर बाकी कहता है, मैं आपको मार मार के आपका भुर्ता तो बनाऊंगा ही, मगर मैं आपको इस दुनिया से ही मिटा दूंगा।
जिस पर मियामोटो कहते हैं, लड़के तुम कह रहे हो तुम मुझे मार दोगे। जिस पर बाकी कहता है, हाँ सही सुना, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता था पर आप इस दुनिया से नहीं हैं। जिस पर मियामोटो कहते हैं, हाँ ये मैं जानता हूँ कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक लोगों को काट काट कर ही पहुँचा हूँ। जिस पर बाकी कहता है, आप जानते हैं कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन समझदार होने के बाद भी आप बहुत ज्यादा लोगों को काटते हैं, आप बहुत ज्यादा नासमझ हैं और लोगों को काटते रहते हैं, और आपको क्या लगता है मैं आपसे बदला लूंगा? वेल, अभी तो यही प्लान है। जिस पर मियामोटो कहते हैं, तो लड़के तुम रुके क्यों हो, मुझ पर हमला करो, वैसे भी मुझे काटने के अलावा कुछ आता ही कहाँ है। जिस पर बाकी कहता है, एक थके हुए आदमी पर हमला करना मैं ऐसा नहीं कर सकता। सो उसके बाद होता यह है, मुसाशी मियामोटो सटाक से बाकी हानमा के पेट पर अपनी तलवार से हमला करते हैं, जिसके बाद बाकी अपने एप्स दिखाते हुए कहता है, देखो इसे देखो, नॉर्मली मुझे यहाँ से आधा कट जाना चाहिए था, और अब से तुम मेरे लिए मुसाशी मियामोटो नहीं रहे, क्योंकि आप एक छोटे से लड़के को भी नहीं काट सकते। जिस पर मियामोटो कहते हैं, मजा आ गया, लगता है अब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो। इसके बाद होता यह है, मियामोटो फिर से बाकी पर एक खतरनाक स्लैश कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी की टी शर्ट भी कट जाती है और बाकी के यहाँ पर पसीने भी छूटने लगते हैं। जिस पर बाकी मियामोटो से कहता है, पीछे हटने के लिए थैंक्स। जिस पर मियामोटो कहते हैं, लड़के मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, अभी ही अपना बदला ले लो। लेकिन तभी होता यह है, पीछे से टोकुगावा मियामोटो से कहते हैं, मिस्टर मियामोटो आप मेरे साथ आ रहे हैं, आपके नहाने के लिए गर्म पानी रेडी है। जिसके बाद होता यह है, मियामोटो टोकुगावा के साथ यहाँ से वापस जाने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उनके पीछे पीछे काफी सारे पुलिस वाले भी चल रहे होते हैं। जिस पर मियामोटो रिएक्ट करते हुए कहते हैं, मजा आ गया, मैं काट काट कर देखो मैं कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया। खैर इसके बाद हम पहुंचते हैं एक हॉस्पिटल में, जहां पर हानायमा बेड पर लेटा होता है और उसके शरीर में पट्टियां तो बंधी ही होती हैं, मगर साथ में ही उसके 3 पैकेट ब्लड और 1 ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही होती है। वहीं सिनोगी कुरेहा टोकुगावा को बता रहा होता है कि हानायमा को पूरे 10 खतरनाक कट्स लगे हैं, उसे पूरे एक बाथटब के बराबर के खून चाहिए होगा, और तो और मुझे 1000 सुइयां लग गई उसके घाव को बंद करने के लिए। वैसे मेरे लिए ये चीज नई नहीं है, मगर हानायमा का शरीर काफी ज्यादा हार्ड है। जिस पर टोकुगावा इस बात को साइड में रखते हुए कहते हैं कि बाकी अब ऑफिशियली मियामोटो से लड़ने के लिए तैयार है, और बात रही हानायमा की, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जिस पर सिनोगी कहता है, ताकतवरों की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती, मैं समझ सकता हूँ, और मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ, पर क्या वेपन्स वाला रूल अभी भी चालू है? क्या बाकी मियामोटो से उनकी तलवार के साथ लड़ने वाला है? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, यह अभी डिसाइड नहीं हुआ, पर तुम खुद ही सोचो, वो एक समुराई हैं, उन्हें हम बिना तलवार के मुसाशी मियामोटो नहीं कह सकते। जिस पर सिनोगी कहता है कि हमने देखा है कि मियामोटो तलवार के साथ कितने खतरनाक हैं, और मैं जानता हूँ बाकी उनसे खाली हाथ ही लड़ेगा अपनी मार्शल आर्ट्स के दम पर। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, बाकी सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहता, वो तो उन्हें इस दुनिया से मिटाना चाहता है, ऐसा वो उनके मुंह पर बोलकर आया है। जिस पर सिनोगी कहता है, क्या बाकी ने ये कहा? मैंने सोचा नहीं था कि बाकी कुछ ऐसा कहेगा। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, कुरेहा भूलो मत, अगर बाकी हानमा ऐसा नहीं कहता तो मियामोटो के लिए ये धोखा होता, मगर बाकी के अंदर धोखा देने वाली जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं बाकी को, जो कि मार्केट में घूमते हुए सोच रहा होता है कि कितने दिन हो गए हैं जब से मैंने अपनी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं की, जिसे मैं रोज करता था। क्या मास्टर स्वॉर्ड्समैन कोई स्पेशल ट्रेनिंग करते होंगे? नहीं, वो तो सिर्फ अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। इसके हिसाब से तो मुझे कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा शरीर बड़ा होता जा रहा है, मेरी चेस्ट, मेरे हाथ, मेरे शोल्डर, मेरे पैर और लेग्स पूरी तरह से रेडी नहीं है। क्या हो अगर किसी गुंडे ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया, या किसी ने मुझे पकड़ लिया, या फिर किसी समुराई ने मुझ पर तलवार से हमला कर दिया? अगर मैं ये सभी चीजें इमेजिन करता हूँ तो मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। अगर कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे काटने की कोशिश की, तो मैं इस तरह से मूव करूंगा। क्या इससे मैं इनविजिबल हो जाऊंगा? शायद ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब बाकी इस सिनारियो में इधर उधर मूव कर रहा होता है, तब उसका ऊपरी शरीर डिसअपीयर होने लगता है, सिर्फ उसके पैर ही यहाँ पर दिख रहे होते हैं,
जिस पर पास में ही खड़ा हुआ एक छपरी कपल बाकी को देखते हुए कहता है, मेरा बाबू उस लड़के को देखो, वो लड़का जो हमारे सामने टी शर्ट में जा रहा है। व्हाट, ये क्या हो रहा है? उसकी ऊपर की बॉडी तो गायब हो गई, देखो अभी तो वो पूरा गायब हो गया था। देखा, मैं यही तो तुमसे कह रहा था, अमेजिंग। इसके बाद हम पहुंचते हैं केनरी का एक डोजो में, जहां पर कोसो कुरेहा एक फुटबॉल को अपने एक हाथ से बिल्कुल बीचों बीच में से काट देता है, जिसे देखकर बाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद कुरेहा उस बॉल को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने पैर से दो हिस्सों में काट देता है, जिस पर कोसो सिनोगी कहता है, बाकी तुम जानते हो हमारे हाथों पैरों में कोई ब्लेड नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने हाथों से पैरों से चीजों को काट सकते हैं। पता है कैसे? हमारे हाथों और पैरों में अलग अलग तरह के पॉइंट्स होते हैं, जैसे तलवार की कोई नोक, मगर हम अपने हाथों एंड पैरों के इन पॉइंट्स को अलग अलग तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जिससे हमारे हाथ तलवारों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए फाइटिंग स्पोर्ट्स में हाथों को कवर्स किया जाता है, क्योंकि हमारे खाली हाथ भी काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। सो बाकी अपने मैच के बारे में कुछ बताओ, मैंने सुना है तुम खाली हाथ मियामोटो से लड़ने वाले हो, मगर बाकी तुम खाली हाथ भी काफी ज्यादा खतरनाक हो। मान लो अगर तुम खाली हाथ किसी फ्लाइट में एंटर करते हो तो भी डिटेक्टर्स और सेंसर तुम्हारी ताकत को डिटेक्ट नहीं कर सकते, मगर तुम्हारा शरीर ही वेपन से कहीं ज्यादा है। अगर फ्लाइट के अंदर तुम्हारा मूड खराब होता है तो तुम उस फ्लाइट को बड़े आराम से हाईजैक कर सकते हो। बाकी अब तुम इस तरह के इंसान बन चुके हो कि तुम्हें किसी भी हथियार की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही एक खतरनाक हथियार बन चुके हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां पर टोकुगावा मियामोटो से पूछते हैं, सो मिस्टर मियामोटो, आप हानायामा के बारे में क्या सोचते हैं? जिस पर मियामोटो सोचते हुए कहते हैं, अनकटेबल, उसे मैं काट नहीं पाया, पत्थर, पेड़, आदमी, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसे मैं काट नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा प्राउड फील करता था, मगर मैंने हानायामा को काटा जरूर था, मगर मैं उसे अंदर से नहीं काट पाया। उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी इतनी ताकतवर थी कि उसने मेरे ब्लेड को बैक कर दिया। टोकुगावा, तुम ऐसे लोग लाते कहाँ से हो? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, बाकी हानमा, वो हानायामा से भी ज्यादा ताकतवर है। उस ताकतवर हानायामा ने तुम्हें जमीन में पुश कर दिया था, और वो हानायामा भी बाकी हानमा को होल्ड नहीं कर सकता, और यही सच है। जिस पर मियामोटो कहते हैं, वो लड़का हानायामा से भी ताकतवर है, मैं जानता था। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, क्या कहा, तुम जानते थे, मगर आपने तो उसे हरा दिया था। जिस पर मियामोटो कहते हैं, नहीं, वो कोई मैच थोड़ी था, और उस समय तो मैंने उसे उसके अनएक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए हराया था। मैं तो उसे पहली बार देख के ही समझ गया था कि वो बहुत ताकतवर है, उसने तो उस समय अपने पोटेंशियल के चौथे हिस्से को भी यूज नहीं किया था। जिस पर टोकुगावा कहते हैं कि अगर बाकी ने ये बात सुन ली तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत आपके सामने नहीं रख पाया, और वैसे भी वो अपनी हार को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले कई सारे जानवरों, सरप्राइज अटैक, ग्रुप ऑफ पीपल, वेपन्स के यूज करने वालों को फेस किया है। ये बहुत सिंपल है, आप उसे पीट दो, आप जीत जाओगे, इसमें बुराई ही क्या है। जिस पर मियामोटो कहते हैं, अगर कोई मैच होगा तो वो हारेगा तो जरूर, मगर मरेगा नहीं, क्या यही इस दुनिया का सच है? जिसके बाद टोकुगावा एक और बात बताते हुए कहते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी युजुरो हानमा को किसने हराया है? हाँ, वो लड़का है बाकी हानमा। जिस पर याद करते हुए मियामोटो कहते हैं, ओ याद आया, एंडलेस एवरीथिंग, वो पृथ्वी के आखिर तक जाता हुआ टेक्निक से बना हुआ खाना कितना स्वादिष्ट था। हमारे मैच में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। टोकुगावा, मेरा और उस लड़के का मैच अरेंज करवाओ। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं केनरियो डोजो में, जहां पर बाकी पंचिंग बैग पर अपने सिंपल जैब से हिट करता है, जिसकी वजह से होता यह है, वो पंचिंग बैग पीछे की ओर से फटकर खुल जाता है। जिस पर कोसो सिनोगी यहां पर कहता है, वाओ, तुम्हारे बेसिक जैब से इतने स्ट्रांग है, अगर मास्टर स्वॉर्ड्समैन मियामोटो मुसाशी को इस लेवल का पंच पड़ गया तो शायद मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे सामने टिक पाएंगे। जिस पर बाकी कहता है, वेल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हें सिर्फ पीटना ही नहीं चाहता, मैं तो उन्हें जान से मारने की सोच रहा हूँ।
जिस पर कोसो कहता है, बाकी मैंने सोचा नहीं था तुम कुछ ऐसा भी कहोगे, तुम तो ऐसे नहीं थे। जिस पर बाकी कहता है, हाँ मैंने शायद पहले कभी नहीं कहा होगा। जिस पर कोसो कहता है, डोपोरुची ने मुझे बताया था, असली मुसाजी मियामोटो को जानने के लिए तुम्हें ये बातें जानने की जरूरत है। देखो उनकी शक्ल पर मत जाना, उनकी ताकत बिल्कुल रियल मियामोटो मुसाशी की तरह है, और बाकी ये कोई आम बात नहीं है। पहली बार डोपो ने भी मियामोटो को नौसिकिया समझ के लड़ाई की थी, इसीलिए वो बुरी तरह से हार गए थे। तुम ना तो उन्हें पीटना चाहते हो और ना ही हराना, तुम तो उन्हें अपने खाली हाथों से मारना चाहते हो, उन्हें इस दुनिया से मिटाना चाहते हो। जिस पर बाकी कहता है, यो सही सुना, मार दूंगा, गाड़ दूंगा और फाड़ दूंगा, थैंक यू तुम सभी का, लेकिन अब वो जिंदा नहीं रह सकते। खैर इसके बाद होता यह है, बाकी हनमा यहाँ से वापस चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं मियामोटो घूमते घूमते एक गटर के अंदर चले जाते हैं, जिस गटर में पिकल रह रहा है। मियामोटो जब गटर में पिकल को ढूंढ रहे होते हैं, तब वो यहाँ पर काफी तरह के जानवरों को देखते हैं, जिसके बाद मियामोटो एक स्नेक को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और स्नेक को मारने के बाद उसकी खाल उतार कर बड़े ही मजे से कच्चा ही खाने लगते हैं। जहाँ पर एक चूहा मरे हुए सांप की स्किन को देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। जब मियामोटो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें पानी में कुछ मगरमच्छ भी दिखाई देते हैं और उनके सामने काफी सारे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई होती हैं, जिन जानवरों को पिकल ने ही खाया होता है, जिसे देखकर मियामोटो समझ जाते हैं कि यहाँ पर पिकल के लिए खाने की कोई भी कमी नहीं है। जिसके बाद मियामोटो की मुलाकात होती है पिकल से, जहाँ पर मियामोटो कहते हैं, पिकल तुम तो काफी बड़े हो गए हो, वैसे हनायमा बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुम उससे कहीं ऊपर हो। आज मैं तुम्हें मारने या काटने के लिए नहीं आया, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। सो पिकल ये सब तुमने ही खाया है, सिर्फ हड्डियों को ही तुमने छोड़ा है, तुमने तो उन्हें कच्चा ही खा लिया, वो भी बिना पकाए, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। खैर इसके बाद हम देखते हैं पिकल एक हड्डी के अंदर से थोड़ा सा मांस निकालकर मियामोटो को खिलाने लगता है, जिस पर मियामोटो भी बड़े आराम से उसकी उंगली में से उस खाने को चूस चूस कर बड़े मजे से खाने लगते हैं, जिसे देखकर पिकल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिस पर मियामोटो उससे कहते हैं, ब्रेन फ्लूइड काफी स्वादिष्ट है पिकल, क्यों ना हम कुछ देर बात कर लें, मैं इसे बाद में खा लूंगा। वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, मगर टोकुगावा ने मुझे बताया था तुम एक भी शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन देखो मैं फिर भी तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूँ? क्योंकि तुम मेरी तरह ही बहुत दूर से आए हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, भले ही तुम कुछ बोल नहीं सकते मगर तुम समझते सब कुछ हो। चलो पिकल अब मैं चलता हूँ, मैं यहाँ बहुत देर रुक चुका हूँ। खैर इसके बाद मियामोटो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। गटर से बाहर निकलने के बाद मियामोटो की मुलाकात होती है कुछ पुलिस वालों से, जो कि मियामोटो को रोकने की और उन्हें लेक्चर देने की कोशिश करने लगते हैं। मगर मियामोटो उस ऑफिसर के गले को अपनी इमेजिनरी तलवार से काटते हुए कहते हैं, चिंता मत करो मैं कहीं नहीं जा रहा। खैर इसके बाद मिसाजी मियामोटो बड़े आराम से निकल जाते हैं, जिसके बाद इस पुलिस ऑफिसर का जब इंटरव्यू होता है, जिसमें ये फिर वही सारी बातें बताता है कि मियामोटो ने मेरी गर्दन को अपनी इमेजिनरी तलवार से काट दिया था और वो सब असली लग रहा था, और उनकी आंखें किसी ह्यूमन की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। और आपको मैं धीरे से बताना चाहता हूँ, किसी को बताना मत, उस समय डर के मारे मेरी थोड़ी सी सुसु भी निकल गई थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं शिबुकावा के डोजो में या फिर उनके घर में, जहां पर बाकी हनमा ने मियामोटो को मारने वाला प्लान शिबुकावा को बता दिया होता है। जैसा शिबुकावा बाकी से हंसते हुए कहते हैं, हा हा सच में तुम उस मॉन्स्टर को मारना चाहते हो? अगर सच में तुम उन्हें जान से मारना चाहते हो तो तुमने कभी सोचा भी है इससे तुम्हें क्या मिलेगा और तुम क्या खो दोगे? तुम जानते हो ना वो कौन है? जैसा बाकी कहता है, नहीं मैंने एक भी बार नहीं सोचा, जब उन्हें मैं वापस भेज दूंगा तब वो ये चीज खुद ही सोच लेंगे। जिसे सुनते ही शिबुकावा बाकी के कंधे पर अपना हाथ रखने लगते हैं, लेकिन सटाक से बाकी उनके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद शिबुकावा बाकी को अपनी टेक्निक से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी हनमा आराम से अपने शरीर को हवा में घुमाते हुए बच जाता है। जिस पर शिबुकावा बाकी से कहते हैं, बाकी तुम पहले की तरह ही कितने ज्यादा शार्प हो। जिसके बाद अचानक से शिबुकावा बाकी पर अपनी बीच वाली उंगली से अटैक करते हैं,
लेकिन बाकी हाना अपनी नई डिसअपीयर होने वाली टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से शिबुकावा का ये अटैक बाकी पर लगता ही नहीं है। जिस पर बाकी शिबुकावा से कहते हैं, दादाजी आप और भी ज्यादा बूढ़े हो गए हो। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 35 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम बाकी आनमा की फुल फाइट मुसाशी मियामोटो से होते हुए देखेंगे, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मुसाशी मियामोटो आर्क की ये आखिरी फाइट होने वाली है। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि दूसरे यूट्यूबर्स ने आपको नहीं बताई होंगी। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 36 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।